ये जो विश्व जगत की सारी सृष्टि है इस धरती पर, ये कहां से आती है, किधर जाती है, हमें पता नहीं। लेकिन ये देखने से पता चलता है कि हम सब इस धरती पर 60-70-80 साल तक रहते हैं, उसके बाद फिर हमें चला जाना पड़ता है। लेकिन आज से करीब बहुत दिन पहले की बात है, वेदकों ने कहा कि ये सारी सृष्टि जीव जगत की सिर्फ नहीं, आकाश में सूरज चांद सितारे जो कुछ भी हैं, इसके जन्मदाता है महाकाश या महाशून्य। सारी सृष्टियां इस महाकाश या महाशून्य से आती हैं, और जिसको लेकर महाकाश के अंदर हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूरज की किरणें हैं, इन्हीं सब चीजों से हम बने हुए हैं, और इन्हीं सब चीजों के जरिए हम इस धरती पर जिंदा हैं। जैसे इन चीजों के अंदर कोई जात पात नहीं, और इन्हीं सब चीजों से बने हुए चीजों का धर्म भी एक है। इसलिए आप अपनी निगाहों को इस प्रकृति की ओर ताक कर देखें, इसकी सारी संगीत हवा के झोरों में, झरनों के पानियों में, सूरज की किरणों में, फूलों के बगीचे में और हमारे हृदय के अंदरों में गूंज रही है। इसलिए हम कहते हैं, जरा आपकी आंखों को खोलकर इस पृथ्वी की ओर, इस धरती की ओर ताकें। आलोक की दुनिया को देखे हो क्या कभी, देखे हो क्या तो नयन खुल के, देखे हो क्या तो नयन खुल के, अस्ताचल में कभी को देखे हो, अस्ताचल में कभी को देखे हो, क्या है गुलाल रंग रंग के, देखे हो क्या तो नयन खुल के, देखे हो क्या तो नयन खुल के। सागर झरना नदी बहे अपने गति, सुने हो क्या कण कण गान, सुने हो क्या पवन का गान, बोलो विदा विदा कैसे जाऊं भला, बोलो विदा विदा कैसे जाऊं भला, सब कुछ पीछे छोड़ के, देखे हो क्या तो नयन भर के, देखे हो क्या तो नयन भर के। दूर फिर भी जाना है कोई तो पुकारता है, चले न कोई अनकानी, समझ न पाए कोई इस जिंदगी की ये ही कहानी, विश्वरूप बीच बजता जो सुर का, उस सुर में करो गान, शायद मिले संधान, अंतर स्थल में अंधेरा है जहां, अंतर स्थल में अंधेरा है जहां, देखो मनीदीप जल के, देखे हो क्या तो नयन भर के, देखे हो क्या तो नयन भर के। आलोक की दुनिया को देखे हो क्या कभी, देखे हो क्या तो नयन खुल के, देखे हो क्या तो नयन खुल के, देखे हो क्या तो नयन खुल के।
श्री श्री ठाकुर कहते हैं, प्रकृति ही साम या समता का शिक्षक है। सूरज, आकाश, वायु या जल, इनकी कृपा तो किसी खास कौम या किसी खास जाति या किसी खास भाषा के लिए नहीं बरसता। जरा सोचिए, सूरज, पानी, हवा, आकाश और इनका क्या कौन सा जात जात है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बंगाली, बिहारी, ब्राह्मण, चमार, रूसी, अमरीकी, कुछ भी नहीं। और इन्हीं सब चीजों से सारे जीव जगत की सृष्टि हुई है। और हमें इतना जात, इतना खूनों का बौछावर किस लिए है? इसलिए परम पिता कहते हैं, तुम्हारा परिचय हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, बंगाली, उड़िया, पंजाबी नहीं। तुम सबका एक ही परिचय है। तुम इस धरती के, सूरज के, हवा के, पानी के संतान हो। वेद कह रहा है, तुम श्रेणी वैषम को भूल जाओ, सबको एक हो जाओ। एक ही जगह पानी ले लो और एक ही धान की फसल को उठा लो और एक धरती पर आसन ग्रहण करो। देखोगे एक भावना, एक शूर में तन्मय होने के साथ हमारे अंदर विवाद की, वैरिता की, दलबाजी की, सांप्रदायिकता की काली घटा कटकर हम सब पवित्रता और स्वच्छता के सूर में भर जाएंगे। अगर सूरज कहे किरण नहीं देंगे हम, पवन कहे ना भागे हम, पानी अगर कह दे कि ना देंगे जीवन, सोचो तो क्या होता हमें, सोचो तो क्या होता हमें, हमें सोचो तो क्या होता हमें। छोटा बड़ा ऊंचा नीचा वो करते नहीं विचार, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा वो करते नहीं विचार, अपना अपना कर्म करे नीरव में। अगर सूरज कहे किरण नहीं देंगे हम, पवन कहे कि ना भागे हम, पानी अगर कह दे कि ना देंगे जीवन, सोचो तो भाई क्या होता हमें, सोचो तो भाई क्या होता हमें, हमें सोचो तो भाई क्या होता हमें। शरीर बना है ये किरण, ये जल, ये हवा, ये सब करके शरीर बना है। उनके जैसा हम सब सुर में नहीं, हम सुर में नहीं, उनके जैसा हम सब सुर में नहीं, हम सुर में नहीं। एक बार ज्ञान की रोशनी में अगर सूरज कहे किरण नहीं देंगे हम, पवन कहे कि ना भागे हम, पानी अगर कह दे कि ना देंगे जीवन, सोचो तो क्या होता हमें, सोचो तो क्या होता हमें, हमें सोचो तो क्या होता हमें, हमें सोचो तो क्या होता हमें।
परम पिता सारे विश्व के संतानों को पुकार कर कह रहे हैं, तुम उठो जागो, वेद में वर्णित अस्त्र अर्थात ज्ञान रूपी गांडीव को उठाओ और देर नहीं, सारा संसार आज ध्वंस के सामने। एक तरफ है असत अन्याय और अत्याचार और एक तरफ है सत्याश्री सर्वधर्माओं का दल, दानव और मानव के बीच लड़ाई। मैं गाऊं दिन बदल समय का अवतार, मैं गाऊं युग बदल समय का अवतार, जला भय आग जला तोड़ो तो बंद तला, जला भय आग जला तोड़ो तो बंद तला, हम सब भलम सक एक संकार, हम सब भलम सक एक संकार। मैं गाऊं दिन बदल समय का अवतार, युग बदल समय का अवतार, भूखा मरोगे क्यों भूखे रहकर, बाहुबल से छीन लो अधिकार, भूखा मरोगे क्यों भूखे रह गए, बाहुबल से छीन लो अधिकार, जिनके लिए करो लड़ाई चाहे जाए जान, जला भाई आग जला तोड़ो तो बंद तला, जला भाई आग जला तोड़ो तो बंद तला, हम सब है भगवान की तक भाई संता, हम सब है भगवान की तक भाई संता। मैं गाऊं दिन बदल समय का अपना, बदल समय का अवतार, उनके कुछ बच्चे जब अच्छा भला आए सब उस तरह तुम ताके रहते हो, उस तरह तुम ताके रहते हो, मेहनत कर तुम फसल पलाते हो, तभी भी तुम भूखे रहते हो, मेहनत कर तुम फसल पलाते हो, तभी भी तुम भूखे रहते हो, वो फसल मिले नहीं छीनते हैं वो शैतान, वो फसल मिले नहीं छीनते हैं वो शैतान, जला भाई आग जला तोड़ो तो बंद तला, जला भाई आग जला तोड़ो तो बंद तला, हम सब है भगवान की तक भई संता, हम सब है भगवान की तक भई संता। मैं गाऊं दिन बदल समय का अवगान, मैं गाऊं युग बदल समय का अवगान, मैं गाऊं दिन बदल समय का अवगान। इस जरा जीर्ण और पंकिलता से परिपूर्ण समाज को मुक्त करने के लिए परमपिता सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं। सशस्त्र क्रांति का अर्थ खून खराबी या खूनों का बौछावर नहीं, इस समाज शरीर का जो दूषित अंश है उसको काटकर समाज को स्वस्थ करना, खूनी के हाथ का चाकू दूसरों को निधन या कत्ल करने के लिए, और एक ही चाकू जब डॉक्टर या चिकित्सक के हाथ में पड़ता है तो वो रोगी को रोग मुक्त करने के लिए है। ये क्रांति कोई राजनीतिक क्रांति नहीं है, ये क्रांति है समाज को पवित्र और स्वच्छ करने की क्रांति। डाकू अगर चाकू धरे आगे सब डर के मारे, डॉक्टर अगर धरे चाकू रोगी पाए प्राण, चाकू चाकू एक है फिर भी अलग अलग है काम, चाकू चाकू एक है फिर भी अलग अलग है काम।
ऑपरेशन अर्थ समझो क्रांति को लाए सड़गा ये समाज चटघर बचावा सड़गा ये समाज चटघर बचावा सड़क अलग कर उसका करो जीवन दान सड़क अलग कर उसका करो जीवन दान डाकू अगर चाकू मजबूती से धरो चाकू तुम हो डॉक्टर सुनायो न जितना सुन नहीं यार मजबूती से धरो चाकू तुम हो डॉक्टर सुनायो न जितना सुन नहीं यार महाभारत में हम देखते हैं पांडवों को सत्य और न्याय नीति से अन्याय के रास्ते वंचित करने से सत्य के पुजारी श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लिप्त करते हैं। दानवों कौरवों को चिन्हित कर न्याय धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए उसी प्रकार जनशील ठाकुर श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज कुरुक्षेत्र की इस धरती पर अतंत्र प्रहरी होकर सारे दानव कुल को चिन्हित कर बोल रहे हैं इस कुरुक्षेत्र का अतंत्र प्रहरी हूँ मैं सबको जगाने घर घर करूँ मैं भाई अगर हम जिएंगे जग में शान बचेंगे अगर हम जिएंगे जग में शान मरेंगे तो मरे एक साथ सबको जगाने घर घर उतरूं मैं भाई सामने लड़ाई सामने लड़ाई सामने आए हैं कौरव गण आए हैं दुशासन द्रौपदी का हुआ वस्त्र हरण इसलिए पुकारे वो त्रिशूलधारी ठाकुर बालक ब्रह्मचारी इसलिए पुकारे वो चक्रधारी ठाकुर बालक ब्रह्मचारी जग नारायण सेना शत्रु है पहचाना जग नारायण सेना शत्रु है पहचाना युद्ध भी नचारा नहीं भाई जगाने घर घर करूं मैं भाई सामने 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 इस कुरुक्षेत्र का अतंत्र प्रहरी हूँ मैं सबको जगाने घर घर करूं मैं भाई सामने लड़ाई सामने लड़ाई सामने
की पृथ्वी, वेद की दुनिया, सारे इंसान अपनी इंसानियत को फिर से मिलेंगे और मानव मानवता के उच्च शिखर पर रहेंगे। हम पेश कर रहे हैं आखिरी संगीत, प्रभु के चरण में समर्पित कर रहे हैं आज वेद की पृथ्वी। पंछी जिस दिन गाएंगे गीत गवाती, अनजाने लोक में हम खो जाएंगे, यादें रह जाएगी। पृथ्वी जिस दिन वेद की पृथ्वी होगी, ना पृथ्वी राम नारायण राम, अपूर्व बल गम चरिना, कितना अपमान दर्द सह कर प्रभु, एक समता में बंध है सुन सभी, याद रह जाएगी। पूर्ण ब्रह्म सुनाया जिसे महाकाश की वाणी, धन्य है वो कणी, जन लो हमने देखे हैं प्रभु जी का श्री चरण, विश्व पिता का संतान रूप हमने, वेद वाणी की है प्रचार सभी, याद रह जाएगी। पृथ्वी जिस दिन वेद की प्रीति होगी, ये पंछी जिस दिन गाएंगे गीत गवाती, अनजाने लोक में हम खो जाएंगे, याद रह जाएगी। पृथ्वी जिस दिन वेद की प्रीति होगी। राम ना